हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई एकेडमी प्लस। आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम कुछ यूनिक मेथड से फर्स्ट फ्लाइट का ऑल सिलेबस क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा 26 फेब को इंग्लिश का एग्ज़ाम है। आई थिंक बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए कुछ हमें स्मार्ट स्टडी करके उसको पूरा कवर करना है, ताकि वो अच्छे से क्लियरिटी उसमें आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा फुल मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं पैटर्न टू स्मार्ट स्टडी। इसका पैटर्न क्या है, देख लीजिए। इंग्लिश जो है, समझ लीजिए, सबसे पहले हम कुछ यूनिक मेथड से स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम बेस पकड़ेंगे तभी एक बिल्डिंग बन पाएगी। ओके, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक स्पेशल लैंग्वेज है इंडिया के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज है, और ये राइटिंग स्किल्स में भी बहुत काम करती है। आपने जैसे ही देखा होगा, जैसे कि जो हमारे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश बहुत हेल्प करती है। ओके, तो इसको राइटिंग स्किल भी माना जाता है। तो हमने दो इसमें पार्ट डिवाइड किए हैं, LHS और RHS। ओके, तो हम LHS वाला जो सेक्टर है उसको पहले अलग रख देते हैं, क्योंकि है ग्रामर। और आपने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा, हम आज पढ़ने वाले हैं ओनली फर्स्ट फ्लाइट। ओके, सो देखते हैं लिटरेचर सेक्टर को। लिटरेचर सेक्टर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है आपका स्टोरी राइटिंग रीडिंग, एक होता है ट्रिक टू लर्न। अब देखिए, स्टोरी रीडिंग सब ने सुना होगा, ठीक है, सब स्टोरी रीड करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट स्टडी जो करने का होता है वो होता है स्ट्रिक टू लर्न। कैसे इसको लर्न करें, कैसे इसको दिमाग में बिठाएं हम अपने, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स लाया हूँ, तो इसको शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, तो आज कुछ अच्छे का मतलब, यानी कि अच्छा थॉट पढ़ लेते हैं एक, ठीक है। थॉट ऑफ द डे क्या है? थॉट ऑफ द डे है स्टडीज कॉमन बट स्मार्ट स्टडीज यूनिक। इट मीन्स भाई, स्टडी सब करते हैं यार, सब करते हैं स्टडी, लेकिन इस भीड़ से अलग करने के लिए, होने के लिए स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑन द मेन टॉपिक। सबसे पहले मेन टॉपिक तो यही आता है हमारा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको एज अ गिफ्ट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें थोड़ा मतलब मोटिवेट मिलता है इससे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहले, हम लेट टेक LHS फर्स्ट। सबसे पहले LHS जो मैंने मांगना था, लेफ्ट हैंड साइड को पहले पूरा कवर कर लेते हैं। उसमें आता है लिटरेचर। ओके, लिटरेचर जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है 30 मार्क्स के लिए। ओके, 30 मार्क्स। तो अब हम चलते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये है हमारा ट्रिक टू लर्न। ओके, हमारा दो था, एक था रीडिंग व्यू और दूसरा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। अब आता है हमारा पहला, फर्स्ट फ्लाइट। क्या फर्स्ट फ्लाइट? जैसे कि हम जानते हैं, फर्स्ट फ्लाइट में जो है हमारा चैप्टर आता है पहला, वो लेंचो कुछ करके नाम से एक चैप्टर था। ओके, जिसमें जो है, अब उसकी मेन, देखिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो हम, जैसे कि हम ट्रिक कुछ लगाएंगे इसमें हम मेन करैक्टर को रिप्रेजेंट करके, मेन करैक्टर की मतलब उसमें हुआ क्या था रियल में, आलतू फालतू की चीज़ नहीं, उसमें रियल में हुआ क्या था, ताकि हम अपनी राइटिंग स्किल से उसको रिप्रेजेंट कर सकें अपने एग्ज़ाम कॉपी में। ओके, अब तो देखिए, मेन करैक्टर इसमें है लेंचो। ओके, लेंचो तो वो क्या है, वो एक गरीब फार्मर है। वो क्या है? गरीब फार्मर है एक, ठीक है। जैसे कि गरीब फार्मर, यानी कि उसके पास मतलब खुद ही यूनिक, यू नो, उसमें मतलब थोड़ा उसकी फील्ड वगैरह, उसको खेती वगैरह ज़्यादा में मुनाफा नहीं होता होगा, है ना। तो अब उसमें है, अब जो है ये जो बिलीव करता था, ये बिलीव करता था अपने एक बहुत ही पावरफुल एक गॉड पे, यानी कि एक गॉड नहीं है, मतलब गॉड पे बिलीव करता था, उसका फेथफुल बहुत, यानी कि गॉड पे ज़्यादा बिलीव करता था। ओके, तो ये, इसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ख़राब थी, और ये डिपेंड था इसकी कॉर्न फील्ड पे। किसकी? कॉर्न फील्ड पे। ओके, तो जब समझ लीजिए, जब बंदा एक ही चीज़ पे डिपेंड रहता है और वो ख़राब हो जाती है, तो बंदा पूरा टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कॉर्न फील्ड पे पूरा ही डिपेंड था, और जैसे कि हम जानते हैं रेनफॉल हुए, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ज़्यादा टॉपिक को खींचूंगा नहीं, रेनफॉल हुए और जो है इसकी कॉर्न फील्ड बिल्कुल डैमेज हो गई, तहस नहस हो गई। तो हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है,
कि रेन ड्रॉप्स को इसने किसके मुकाबले रखा था, इसने जो है सिल्वर कॉइंस के मुकाबले रखा था, क्योंकि अगर रेनफॉल्स आएंगी तभी इसकी आर्थिक, इसकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। ओके ठीक है, तो स्टडी स्टोरी नेम क्या था, स्टोरी नेम था लेटर टू गॉड। ठीक है, स्टोरी नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखा किसने है, राइटर जी एल फैंटिस, जी एल ये एफ है, ओके जी एल फैंटिस, ठीक है जी एल फैंटिस ने लिखा था। ठीक है, अब इसकी मेन समझ आ गया, आप लैंच होता जो कि एक पूर्व फार्मर था और गॉड पे बिलीव करता था, और इसका स्टोरी का नेम है लेटर टू गॉड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आपको मैं इसकी ये इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये चैप्टर है तो मैं आपको इसका शॉर्ट राइटिंग बता देता हूँ कैसे लिखना होता है, मतलब शॉर्ट स्टोरी क्या है। बारिश आने से इसकी खेती खराब हो जाती है और ये भगवान से मदद मांगने के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है, यू नो ब्रो, एक पत्र लिखता है, पत्र यानी कि एक लेटर लिखता है। आप खुद ही सोचिए, एक लेटर तो भगवान तक कभी पहुँच ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान एक मान्यता है, ओके ठीक है, तो जो कि पोस्टमैन के हाथों में आ जाता है, पोस्टमैन के हाथों में, इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्टमैन के हाथों में आ गया, भाई पोस्टमैन तो सारे लेगा, लेकिन उसके हाथों में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसके सोच विचार, क्योंकि वो सोच विचार में पड़ जाता है कि भाई ये कैसा लेटर है, मैं रोज़ ऐसे कॉमन लेटर देखता हूँ लेकिन ये कुछ अलग यूनिक लेटर है, तो वो जो पोस्टमैन है फिर वो उसे अपने मैनेजर के पास ले आता है। ठीक है, और जब ले जाने के बाद मैनेजर उसे खोल के देता है, उसे ओपन करके देखता है उसको लेटर को, तो उसमें जो है भगवान के प्रति अटूट भावना लिखी थी। अटूट भावना कैसे कह सकते हैं, यानी कि उसने बताओ भगवान से पैसे मांग लिए, उसने भगवान से पैसे मांग लिए, चलो आशीर्वाद मांग लेता, चलो कोई बात नहीं, उसने पैसे मांग लिए, तो वो तुरंत समझ गया ये या तो दो चीज़ हो सकती है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ है या तो इसकी अटूट भावना है। तो ये बेवकूफ़ तो था नहीं, क्योंकि बेवकूफ़ होता तो लेटर वगैरह, मतलब ये समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अटूट भावना थी, तो इसलिए उसने सोचा कि इस अटूट भावना को हमें नहीं तोड़ना है, तो जितने भी उसके असिस्टेंट थे उससे थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूशन लेके जो है उसने रकम इकट्ठी करी, लेकिन जो है रकम वहाँ पीसोस चलती थी, क्या पीसोस, ठीक है ये आ सकता है पीसोस, ओके पीसोस, तो 70 पीसोस ही हो पाए, ओके 70 ही हो पाए, लेकिन उसने मांगे कितने थे 100। अब भाई जब उन्होंने पोस्ट करा फिर से लेटर रिप्लाई एज अ रिप्लाई, तो उसने देखा कि ये तो यार 70 है, मांगे तो मैंने 100 थे, भगवान की कैलकुलेशन में कभी गलती हो ही नहीं सकती, ये कैसे कर दिया भगवान के पास, तो मतलब इन्फिनिटी पैसा है, तो ये कैसा हुआ। तो उसने जो है सोचा, जो बीच में जो पड़ रहा है सिस्टम, यानी कि पोस्टमैन सिस्टम, इसमें गड़बड़ी हुई है, तो बताइए उसने उनकी मदद भी करी उसके कर्मचारियों ने, लेकिन उसने उन्हें पता क्या कहा, पता क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या है, यानी कि बदमाशों का झुंड, बदमाशों का झुंड, इसने उन्हें बदमाशों का झुंड कह दिया। ठीक है, समझ आया इसकी मेन स्टोरी क्या थी, बारिश आने पर इसकी कौन की फील्ड खराब हो गई और इसने कैसे कैसे लेटर लिखा और क्यों लिखा और कितने पैसे मांगे, समझ आ गया। ठीक है, ये पहला चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आई होप यू क्लियर, सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब इसकी देखिए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर टू जिसका नाम क्या था, नेल्सन मंडेला, नाम क्या है, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, लेकिन हमें ट्रिकी थोड़ा याद करना है। सबसे पहले देख लीजिए ट्रिक टू लर्न क्या है, ट्रिक टू लर्न है जस्ट थिंक एंड राइट, थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, ओके, क्लियर इन ईजी वे, क्लियर इन ईजी वे, अपने जो भी आपको वे ईजी पढ़े उसी में आपको क्लियरिटी लानी है, तो डेवलप योर राइटिंग स्किल, सबसे पहले तो लिखने की, क्योंकि आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लो लास्ट में एट द एंड आपको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में सीट में लिखोगे नहीं तो उस नॉलेज का फायदा क्या, ओके, ऑलवेज गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लास्ट मिस्टेक, अगर आपने समझ लीजिए अगर आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं या कहीं भी टेस्ट दे रहे हो, आप जो मिस्टेक कर रहे हो उससे सीखो, उस पर मतलब ये मत करो कि मेरे क्यों नंबर कम आए, उससे सीखो, क्योंकि वो गलती आपको नहीं करनी होगी एग्जाम में, ओके। तो इसका मेन करेक्टर क्या था, इसका मेन करेक्टर था नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ही वॉज अ मैन साउथ अफ्रीका में थे, थोड़ा नोट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, इसमें थोड़ा मैंने तेज तेज में बनाया, तो आप सिर्फ मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा मेरे बोलने से, जो है आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका में थे और ही डिस्क्राइब्स हिज स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंस, इन्होंने मेनली क्या करा है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और
स्ट्रगल डिस्क्राइब किया है, एक्सपीरियंस और स्ट्रगल डिस्क्राइब किया है। अब ये क्या थे, अब देखिए इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये जो थे ना साउथ अफ्रीका जो एक कंट्री है जो ब्लैक मैन को जो है ना बैड मानती है, ब्लैक मैन को मतलब थोड़ा भेदभाव था, इनइक्वालिटीज ब्लैक मैन के लिए इनइक्वालिटीज थी। तो इनमें ये जो ब्लैक मैन थे भाई, ये कभी कुछ मतलब खुद ही सोचिए, अगर ब्लैक मैन होगा तो उसकी अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी, उसको वो नहीं मिल पाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो अलग वाइट मैन इन सबको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करा, जेल में रहे, ठीक है, साल तो मुझे याद नहीं है, अप्रोक्स 20 इतने साल से ये रहे थे जेल में, ठीक है। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, एंड में जाकर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। अब देखते हैं इनका मानना क्या था, ही थिंक ये क्या मानते थे, विक्ट्री ओवर फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसका मीनिंग है, करेज का, किसका, करेज का मीनिंग है इनके लिए। करेज का मीनिंग क्या था, करेज का इनके लिए मीनिंग था हमारे लिए डर के ऊपर जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डर ना होने से। यानी कि अगर आपके अंदर डर है ही नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप डर के ऊपर जीत रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइटर नेम क्या है, राइटर नेम कभी कभी आता है, राइटर नेम देख लीजिएगा, नेल्सन रोली रोली हला मंडेला। ओके, चैप्टर क्लियर है, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करूँगा क्योंकि मैंने पूरी फर्स्ट फ्लाइट का आपसे वादा करा है। ओके, अब देखते हैं चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री जो है इसमें टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, प्लीज जस्ट थिंक इसका मतलब है कुछ उड़ान के ऊपर ही इसकी अबाउट स्टोरी है। ओके, अब पहली स्टोरी देख लेते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है, आप देख लीजिए। इसमें मेन करेक्टर था एक यंग सीगल, यानी कि वो उड़ेगा, है ना, सीगल हमेशा उड़ते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं मतलब उड़ने से करेक्टर एक बेस्ड है, ठीक है। और ही डज नॉट वॉन्ट और नो हाउ टू फ्लाई इन स्काई, अरे इसे पता ही नहीं था, यानी कि इसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था उड़ने का, ये एक भी बार नहीं उड़ा था। लेकिन इसके पेरेंट्स जो थे, नोट्स पर थोड़ा मत देखिएगा, ध्यान मत करीजिए, इसके पेरेंट्स जो थे चाहते थे इस डर को मिटाने का, इसके अंदर से इस डर को मिटाएं, लेकिन वो मिट ही नहीं पाता था। क्यों, देखो आपको एक चीज़ पता होगी, आपको जब तक कोई, आपको कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं सीखना चाहते। ओके, तो कई गलतियां ठोकर खाकर ही पता चलती हैं। तो ऐसे ही इसमें देखिए, थिंक करिए, इसमें ऐसी वो बेस है स्टोरी, ये जब तक खुद एक स्टेप नहीं लेगा उड़ने के लिए तो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। ओके, तो ये बहुत भूखा हो गया, अब भूखे खुद ही सोचो जो मतलब जो बिल्कुल एंड हालत में होता है वो क्या क्या कर जाता है, ठीक है, बिल्कुल भूखा हो गया। और इसने फाइनली एक ट्राई ले ही लिया, जंप इनटू सी में कूदकर एक जंप ले ली इसने, और जैसे ही सी में गिरा उसके बाद ये तुरंत उड़ने लग गया। ओके, अब इसका राइटर का नेम क्या है वो देख लीजिए, समझ आया, सीगल, एक सीगल था जो कि उड़ने, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इसकी जो है आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स पता होंगे ना आप बिल्कुल बना देंगे, और आपकी मेरे को पता है राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होंगी। ओके, अब तो इसमें जो है समझ आ गया, सीगल उड़ना नहीं चाहता था और इसके पेरेंट्स डर को रिमूव करना चाहते थे, और मतलब वो समझ आ गया ना, पीस मीट का पीस लेके इसको ललचाया था वगैरह, ठीक है, इसलिए ये कूदा और उसको भूख लग रही थी। और इसका राइटर का नेम क्या है, इसके राइटर का नेम है लैम ओ फ्लेहर्टी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट था फर्स्ट। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। अब ब्लैक एरोप्लेन में आपको जस्टिफाई कर देता हूँ, ब्लैक एरोप्लेन यानी कि एक ऑथर होता है, एक नरेटर होता है, ठीक है, जो अपने फ्लाइट में उड़ान ले रहा होता है, क्लाउडी सीजन हो जाता है, इमीडिएट मतलब सडनली तुरंत हो जाता है, और इसको इसका प्लेन खो जाता है, मतलब भटक जाता है, और जो है इसको, इसके प्लेन को एक ब्लैक एरोप्लेन जो कि साइड में था इसके एरोप्लेन का, उसको सही वे बताता है और सेफली ये लैंड हो जाते हैं। तो ये है इसकी स्टोरी, आप देख लेते थोड़ा नोट्स वाइज। एक इसका मेन करेक्टर द मैन हु इज फ्लाइंग इन फ्लाइट, भाई जो मैन फ्लाइट में जो है मतलब फ्लाइट में था उसके बारे में है, उसको हम नरेटर कह सकते हैं, ठीक है, नरेटर कह सकते हैं। ओके, ही वाज टेक फ्लाइट टू इंग्लैंड, इसने जो है इंग्लैंड के लिए फ्लाइट ली थी। ओके, ही ट्रेवल थ्रू इंसिडेंट, ये मैंने थोड़ा अपने भाषा में लिखा है। ओके, अब इसने क्या देखा, अगर जब ये ट्रैवल कर रहा था एक इंसिडेंस हुआ इसके साथ, इसने क्या देखा, इसने देखा इसकी वे जो है खो चुकी थी, इसकी वे इसकी जो इसके एरोप्लेन था उसकी वे खो चुकी थी, और इसके साइड में एक एरोप्लेन आकर राइट वे दिखाता है थ्रू क्लाउडी वेदर, लेकिन वो एक इंसिडेंट था, ठीक है, जस्ट इंसिडेंट था वो। ओके,
बाद में इसने काफ़ी सोच विचार करा था, लेकिन वो इंसिडेंट था। ठीक है, आपको ये समझ में आया, आपको मैं इसमें जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। जस्टिफिकेशन क्या है, एक ब्लैक एरोप्लेन होता है जिसमें नरेटर जो है आपका फ्लाइट करता है इंग्लैंड के लिए, और जो है वो एक इंसिडेंट हो जाता है उसके साथ क्योंकि उसका प्लेन खो चुका था, और उसको एक नया एरोप्लेन यानी कि ब्लैक एरोप्लेन उसके जो साइड में चल रहा था उसको राइट में दिखाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर फोर उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब इसका सीधा सीधा मतलब जाता है एनी फ्रैंक ने भाई कोई डायरी लिखी होगी, उसके मतलब उसको बता रहे हैं उसकी मतलब मेन चीज़ क्या लिखी थी उसने उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, ठीक है, अब मेन करेक्टर देखते हैं। मेन करेक्टर उसमें था एनी जो कि एक लड़की थी। शी राइट्स इन हर डायरी अबाउट एक्सपीरियंस। अब देखिए, मेनली जो होता है जो डायरी होती है उसमें किसी का एक्सपीरियंस ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसने एक्सपीरियंस लिखा था तो। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आती रहती है, इसने माना था सी बिलीव्स पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ह्यूमन। ये मानती थी पेपर में ज़्यादा पेशेंस है ह्यूमन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो समझ आया, इसने अपना एक्सपीरियंस लिखा था और वो तो आपको स्टोरी पता ही होगी, लेकिन मैं ये आपके लिए मेन चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपको स्टोरी पता होगी इसकी। मैम ने इसको चैटर बॉक्स कहा था क्योंकि ये बोलती रहती थी, इसलिए इसको इसके ऊपर ऐसे भी मिला था कि चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखिए। ठीक है, लेकिन ये मेन चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या बिलीव करती थी क्योंकि यही आता है। ओके, अब एक आता राइटर नेम। राइटर नेम क्या था उसका? राइटर नेम था इसका एनी फ्रैंक। ओके, अब आगे चलते हैं। ये समझ में आया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा था, और ये क्या मानती थी और किस बॉक्स किस टॉपिक पे इसको लिखने को मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा चैप्टर फाइव। ओके, चैप्टर फाइव। अब देखिए, इसका नाम क्या है? दी हंड्रेड ड्रेसेस। अब देखिए, इसमें देखिए इसमें हंड्रेड ड्रेसेस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फर्स्ट पार्ट, एक है सेकेंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्लियर। ओके, तो हंड्रेड ड्रेसेस जो है इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो है एक लड़की होती है, इसमें मेन करेक्टर क्या है, एक वेंडा पैटर्न्स की, वेंडा पैटर्न्स की। आपको देखते ही पता चल गया होगा किस चीज़ के ऊपर स्टोरी है, इसके लॉन्ग नाम के ऊपर ये स्टोरी पूरी डिफाइन हुई है। ठीक है, क्योंकि इसके जो फ्रेंड्स थे पैगी और मैगी इसको चिढ़ाते रहते थे। सी इज़ वेरी साइलेंस बिहेवियर गर्ल। ये नोट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ये बहुत ही साइलेंस बिहेवियर की, यानी कि बहुत मतलब चुपचाप रहती थी अपने उसमें क्लासरूम में। ठीक है, और चुपचाप बैठी रहती थी, और इसका बिहेवियर बहुत ही वैसा था, मतलब अलग ही रहती थी। ठीक है, लेकिन इसके जो फ्रेंड्स थे इसके ऊपर जोक्स बनाते थे, देखिए ये। और हाँ, वेंडाज जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंडा ने जो है ना, अब इसका मजाक एक तो इसके नाम के ऊपर बनता था, और एक ये था, ये हमेशा बात करती रहती थी अपने हंड्रेड ड्रेसेस की, यानी कि ये अपने जिस अब पता नहीं हंड्रेड ड्रेसेस भाई कोई मामूली बात तो है नहीं, इसलिए इसको सब मजाक बनाते थे, लेकिन ये हमेशा बात करती रहती थी इसके हंड्रेड ड्रेसेस के नए नए डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, और हाँ, आगे चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ऑल दी गर्ल्स मेक्स फॉर फन फॉर हर। एक बार की बात है, ये बीच में थी, मतलब बीच में खड़ी हुई थी और चारों तरफ उसकी गर्ल मजाक बना रही थी, और ये अगले दिन एब्सेंट हो गई थी। ओके, तो सबको ये कह रहे थे, सब सोच रहे थे अगले दिन एब्सेंट क्यों हुई, मतलब ये मेन स्टोरी है। अगर आपको इसके मेन पॉइंट खुद ही सोचिए, अब इसमें पेपर में ये तो पूछेगा इसके दोस्त कौन थे और क्यों मजाक बनाते थे, ये आप कर सकते हो ना। ठीक है, क्योंकि कम टाइम है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके राइटर का नेम एक हो सकता है, पूछ ले राइटर का नेम क्या है। राइटर का इसका नेम है एल्बेसर एस्टर। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया था पहला इसका पार्ट हमारा हो चुका है, अब इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका चैप्टर सिक्स है। इन दिस चैप्टर इन शॉर्ट सी शोज। हाँ, देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सिर्फ ये बताती रहती थी, लेकिन इस वाले चैप्टर में इन्हें प्रूफ कर दिया कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। कैसे? एक कंपटीशन के थ्रू, इसने एक कंपटीशन हुआ था ड्राइंग, और उसमें ड्राइंग में जो है इसने शो की सो जो ड्रेस बता रही थी ना, सो की सो ड्रेस के पैटर्न बना दिए इतने कम टाइम में, और पूरी सो की सो सीट में। और खुरी सोचिए अगर ये बना रही है सबके बारे में, और इसने रियल में शो कर दिया था, प्रूफ कर दिया था कि हाँ इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और सब हैप रह गए थे और समझ गए थे हाँ ये झूठ नहीं बोलती है, भले ही ये शांत वैसे बिहेवियर की हो। ठीक है, उसका राइटर क्या था? वही था, सेम एल्बेसर एस्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर सेवन। चैप्टर सिक्स समझ में आया ना आपको? अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर लेना, तो थोड़ा देख लेंगे हम। ठीक है, चैप्टर सेवन चलते हैं। अब आता है ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। खुद ही सोचिए, आप बेकर फ्रॉम गोवा अगर ये टॉपिक रखा गया है तो बेकर यानी कि बहुत हाईली मीनिंग होगा गोवा के, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोवा के लिए, क्योंकि गोवा में जो है ना बेकर को बहुत ही अच्छा इंसान, मतलब स्ट्रेंथ में ठीक मानते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अ बेकरी मैन फ्रॉम गोवा, अब बेकर जो बेकर फ्रॉम गोवा था, इसका मतलब बेकरी मैन यानी कि जो केक्स वगैरह बनाता है, जो ब्रेड के काम करता है, ठीक है, गोवा से। अब बेकर सोर्स इन हाई स्ट्रेंथ, मतलब वो दिखते हैं हाई स्ट्रेंथ, दिखते हैं हेल्थी, दिखते हैं और टोल दिखते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान माना जाता था उसको, ठीक है। मेन टॉपिक पर जाइए आप, अब आगे चलते हैं। ब्रेड इज़ पॉपुलर थिंग इन गोवा, देखा मैंने कहा था ना, ब्रेड बहुत ही पॉपुलर चीज़ है गोवा में। बेकर मैन टेल्स अबाउट द थॉट अबाउट ब्रेड, अब यही है भाई, इसमें घुमा फिरा के बेकर बता रहा है ब्रेड से ऐसे होते हैं, सस्ते होते हैं खा, मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब उसके बारे में अपनी थिंकिंग बता रहा है। ओके, अब देखिए इसका राइटर क्या है, ल्यूसियो रोड्रिगाइस, ठीक है, समझ में आया। अब बेकर फ्रॉम गोवा यानी कि जो बेकरी मैन होता है और जो है गोवा अपने एक्सपीरियंस बताता है कि मतलब कैसा अच्छा है ये वगैरह, और वो जो है हाई स्ट्रेंथ में दिखते हैं वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक होता है कुर्ग यानी कि कुर्गी मैन, कुर्गी, ठीक है, जिस विच सिचुएटेड फ्रॉम कुर्गी। अब कुर्ग क्या है, इट्स प्लेस कोदागु, ओके, एक कोदागु भी इस प्लेस को कह सकते हैं। यह कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट से, ओके, इज अ होम ऑफ रेन फॉरेस्ट, यानी कि इसमें रेन फॉरेस्ट बहुत है। रेन फॉरेस्ट क्या होता है, रेन फॉरेस्ट जहाँ रेन होती रहती है उन फॉरेस्टों में, ठीक है, यानी कि 30% लगभग वह घिरा हुआ है भाई, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, अरेबिक डिसेंट, इनको हम अरेबिक और ग्रीक डिसेंट भी कहते हैं, यानी कि ये बिलोंग करते हैं अरेबिक और ग्रीक प्लेसेस से, ओके। और हाँ, ये क्यों बिलोंग करते हैं, आप देख लीजिए, आप पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, ये एक अलेक्जेंडर जो कि वॉरियर था उसकी आर्मी के पार्ट थे, ओके, समझ में आ गया। कुर्ग क्या था, कुर्ग एक प्लेस है कोदुगु में, और जो कि डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, और होम वो है रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। बस इतना ही आएगा, बस मेन यू हैव टू लर्न मेन टॉपिक्स एंड देन राइट योर इन योर वर्ड्स, ओके, ठीक है। तो इसका राइटर क्या था, इसका राइटर था लोकेश एबरोल, ओके। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, टी फ्रॉम असम, हम जैसे कि जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन असम में होता है टी का, ठीक है। अब हाँ, अब देखिए टी फ्रॉम असम यानी कि इसकी कोई मतलब स्पीसीज यानी कि स्पेशल चीज़ बता रहे होंगे। अब एक है राजवीर एंड प्रांजल जो कि टी के बारे में बात करते हैं कि कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों इसका टेस्ट ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक डेटा दिया गया है, मोर देन 80 करोड़ कप्स टी ड्रिंक बाय पीपल्स इन अ डे, यानी कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय पी ली जाती है, ठीक है, ओके, एक दिन में। दे वॉन्ट टू नो द चाइनीज, अब ये क्या भाई, ये चाइनीज, खुद ही सोचिए, ये जो है ये टी कहाँ से आई है, चाइनीज, एक चाइनीज हिस्ट्री है, एक कहाँ से, मतलब क्या हुआ था, कैसे इन्वेंट हुई थी, ओके, इन्वेंट नहीं सॉरी डिस्कवर हुई थी, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री जानना चाहते थे, ठीक है। अब एक आता है चाइनीज एम्परर था जो कि एक इसको हमेशा ये पानी उबाल कर ही पीता था, और हाँ, जब ये एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और जब ये पानी पी रहा था तो कुछ पत्तियां इसके बॉयल वाटर में आके गिर गई और ये सोख हो गया, क्योंकि इसके बॉयल वाटर का टेस्ट जो था फुली चेंज बिल्कुल हो चुका था। अब वहीं जो है इन्वेंशन ऑफ टी हो गया, क्यों इसी को टी कह दिया गया, इसी चेंज ऑफ टेस्ट को टी कह दिया गया, ठीक है। और फ्लेवर कैसा था उसका, डिलीशियस फ्लेवर था, ओके, समझ में आया कैसे इन्वेंट हुआ उसकी चाइनीज हिस्ट्री, क्या दो बच्चों में बात कौन से, और राजवीर और प्रांजल में, ठीक है। 80 करोड़ से भी ज़्यादा टी कप पी लिए जाते हैं, टी मतलब कप में टी पी ली जाती है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई है, अंडरस्टैंड इन योर वर्ड्स, अब देखिए खुद ही सोचिए, एक होती है लिसनिंग पावर, आप जितना सोच रहे हैं खुद ही सोचिए, जो मैं 100% आपको बता रहा हूँ आप 100% नहीं गेन पर कर पाओगे, क्योंकि आपके अलग थिंकिंग है, मेरी अलग थिंकिंग है, तो यू हैव टू थिंक इन योर वर्ड्स, ओके, यानी कि अपने मतलब में समझे, अपने दिमाग से समझे, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपने पैटर्न में कन्वर्ट करके समझे, क्योंकि मैंने भी ये बुक का पैटर्न से नहीं समझा, मैंने अपने पैटर्न से कन्वर्ट करके समझा है, और आप अपने पैटर्न से कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब इसका राइटर देख लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका राइटर अरूप कुमार दत्ता, ये इंडियन, ओके, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, ठीक है, चैप्टर 8 हमें थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट पूरा हम कवर कर रहे हैं। हाँ, चैप्टर एट एक होता है मिजबिल द ऑटर, इसका नाम क्या है, मिजबिल द ऑटर। अब देख लीजिए, ऑटर जो है एक स्पीसीज है, किसकी स्पीसीज है, एक एनिमल की, या मतलब एक
जस्ट लाइक डॉग सील, ओके, जैसे कि डॉग और सील जैसा दिखता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है ऑटर का? मिजबिल, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिजबिल एंड नरेटर है। इसके दो मेन कैरेक्टर थे, मिजबिल और नरेटर में। तो हाँ, जो नरेटर था, सॉरी, मिजबिल तो ऑटर का नाम था, जो नरेटर था उसका कुत्ता यानी कि डॉग मर चुका होता है, और वो एक दिन अपने दोस्त से डिस्कशन ऐसी कर रहा होता है, ये सीरियस नहीं कर रहा होता है, मतलब ऐसे ही कर रहा होता है, मतलब बोल देते हैं ना, ऐसे ही बोल रहा होता है, यार मेरे को तो अब कुछ कुत्ता ने कुछ अलग ही चीज पाल ली है। तो उसका जो है दोस्त उसको सीरियस, मतलब कुछ भी उसके लिए एक क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर ऑर्डर कर देता है, ठीक है। और उसको पता भी नहीं था कि उसके लिए एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। ऐसी इंसिडेंट्स में उसे कर देता है ऑर्डर, किसको? ऑटर को, लाइक डॉग एंड सील, ओके, ठीक है। हिज फ्रेंड फाइंड दिस ऑटर, अब इस ऑटर को कौन लाया था? इसका फ्रेंड लाया था, ठीक है। ऑटर लाइक्स टू प्ले इन वाटर। अब क्या है, ऑटर जो है, नोट समझ जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, ऑटर जो है पानी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। उसे जो है ना, उसे नाम दिया गया था मिजबिल, जैसे कि हमको पता है। और हाँ, इसी जो टैप है ना, टैप यानी कि बाथ टब होता है, उसके ऊपर नल, जिसे हम नल कहते हैं, उसको जो है उसके साथ खोलना बंद, उसका प्रेशर हाई करना लो करना उसको बहुत पसंद है, ठीक है। अब जो है इसको लेकर, जैसे कि उसको रिसीव हुआ वो ऑर्डर, उसको जो है उसने डिसाइड करा वो वापस लौट जाएगा लंदन में। लेकिन जो है, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी वो अलाउ नहीं करती थी कि एनिमल को ट्रांसपोर्ट कराएं थ्रू फ्लाइट, ओके। अब तो उसने क्या करा, उसने जैसे कि वहाँ के रूल थे, उसने जो है मिजविल को एक बॉक्स में पैक कर दिया। और हाँ, बस इसी के बारे में है, यू हैव टू लर्न मेन पॉइंट्स, ओके। तो इसने जो है बॉक्स में पैक कर दिया और उसने बॉक्स को लेके गया। लेकिन जो बीच में जो था ना, जब फ्लाइट हो रही थी, मतलब चल रही थी, गोइंग ऑन थी, उसने जो है ना बॉक्स से बाहर आ गया और मतलब उछल कूद करने लग गया। बस यही हुआ था, आपको बता देंगे ना आप, आई होप यू टेल, ओके। आप बता देंगे ना मेन टॉपिक्स क्या है, मिजबिल एक नरेटर और इसके बारे में बात हो रही है, जो कि जो है एक डॉग और सील जैसा दिखता है, और इसका फ्रेंड लाया था इस ऑर्डर को, ठीक है। ऑर्डर जानते हैं ना आप, ऑर्डर को लिख देना। और हाँ, ये ओपन टैप करना, पानी के साथ खेलना, इसको 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 ये सब पसंद है, और पानी के साथ खेलना इसको पसंद है। और ये फिर डिसाइड करा था इसने लंदन लौटने के लिए, जब इसको मिजबिल रिसीव हुआ। बस यही इसके इंसिडेंस है सारे, मतलब इसके बारे में मेनली क्या बताया गया, स्मार्ट स्टडी करें तो इसके मेन इसके बीच में रिलेशनशिप बताया गया, कुछ हरकतें बताई गई हैं जो ऑर्डर इसके साथ करता था, ठीक है। जैसे कि खेलना कूदना पानी के साथ, ठीक है, उसको परेशान करना, ठीक है, ऐसे कुछ। अब इसका राइटर देख लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइटर है गैविन मैसवल, क्या नाम है? गैविन मैसवल, ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, चैप्टर 9 हमारा आता है। चैप्टर 9 हमारा जो है उसका नाम है मैडम राइट्स दी बस, मैडम राइट्स दी बस। अब इसको साफ साफ मीनिंग समझ में आ रहा है, एक मैडम है, ठीक है, वो बस की राइड लेना चाहती हैं, या राइड ले रही हैं, या उन्हें पसंद है। अब उनका मेन करेक्टर देख लेते हैं इस पोएम का। एक गर्ल है जिसका नाम है अमा, नाम क्या है उस गर्ल का, वो जो मैडम कह रहे हैं ना, उस मैडम का नाम है अमा, ओके। एक वो थोड़ी छोटी लड़की है, वैसे मैडम तो बड़े उसको कहते हैं, लेकिन वो छोटी लड़की है जिसका नाम अमा है। अब ये क्या है, ये पसंद करती है ट्रैवल करना, ठीक है। अब्सॉर्ब द स्ट्रीट फ्रॉम द विंडो ऑफ हर, देखिए नोट्स में मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब है, मैंने ओन वर्ड्स में अपने नोट्स बनाए हैं, इसका मतलब है ये जो इसकी इसकी ओन विंडो थी इसके घर की, अपने स्ट्रीट को विंडो से देखती रहती थी क्या चल रहा है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा पसंद था बस आ रही है जा रही है, मतलब उसी चीज़ को ये देखती रहती थी। तो ये चाहती थी कि ये एक ना एक बार बस में ट्रैवल करे। तो इसने जो है अपने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, पैसे जोड़ने, कहाँ से पैसे जोड़ती थी, जो इसके पास, यानी कि जो इसकी विशेष थी उसको इसने कम करा, ठीक है, ठीक है। अब फाइनली शी ट्रैवल इन बस अलोन, यानी कि अकेली वो बस में ट्रैवल करने लगी, करने यानी करने गई, ठीक है। और इसने जो है ना, जैसे ही बस चली, मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, ओके, मैं बता रहा हूँ, जैसे ही बस चली इसने बस ड्राइवर को आवाज़ दी। बस ड्राइवर सोच रहा था कि ये अपने लिए नहीं, किसी बूढ़े इंसान ने किसी चीज़ के लिए, किसी और के लिए आवाज़ दे रही है, लेकिन इसने अपने लिए दी थी, और एक चढ़ गई बस में, ठीक है। अब इसने जो है ये ट्रैवल कैसे करी, अपने जमा करे पैसे से, कितने पैसे थे उसके, 60 पैसे, कितने पैसे थे उसके पास, 60 पैसे, बस यही आता है। और उसके पास थोड़ा ट्रैवल हुआ, उसके बूढ़े इंसान उसको देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अलग अकेली ट्रैवल करके, छोटी बच्ची है, फिर वो वापस आ गई, ठीक है, वो अपने जहाँ फिर घूम के फिर गई, फिर वो वापस आ गई। बस इतना ही टॉपिक है, ठीक है, आपको मेन टॉपिक पर ध्यान देना है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं, मेन पॉइंट्स
आपको लर्न कर लीजिए, यानी कि समझ लीजिए, ताकि आप अपने ओन वर्ड्स में से समझा पाएँ, एग्जामिनर को लिख के दिखा सकें, ठीक है। अब इसका राइटर कौन था? इसका राइटर था वली खानन। क्या नाम था? वली खानन, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आया पिछले वाले चैप्टर, मैडम राइट्स दी, बस ओके। अब आता है चैप्टर 10। क्या आता है? चैप्टर 10। अब आता है सरमन एंड बनारस। अब देखिए, मैं एक यूनिक डाउट बताऊं, आप इसको बनारस पढ़ते होंगे, है ना, बनारस नहीं है, लेकिन ये बनारस है। आप सोचते होंगे स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, ये बनारस है, ठीक है। बनारस पहले ऐसे लिखते हैं, वरना आप तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, बनारस को इधर ए आ जाता है, लेकिन बनारस ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब आता है मेन करैक्टर उसका क्या था, कि सरमन एट बनारस का मेन करैक्टर था एक लॉर्ड बुद्धा थे। लॉर्ड बुद्धा यानी कि हम जिन्हें आज भगवान मानते हैं, उन्हीं के ऊपर एक स्टोरी बताई गई है, ठीक है। उनका रियल नेम क्या था लॉर्ड बुद्धा का? उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। जो कि उनकी जन्म डेट और मृत्यु डेट बताइए, 483 से 563 तक, इसको याद रख लीजिए, और नहीं याद रखेंगे तो भी सही है, ठीक है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब देखते हैं इसकी, अब देखिए इनकी हिस्ट्री क्या थी, अब ये कैसे खानदान में पैदा हुए। ये जो थे ना नॉर्थन इंडिया के किंग थे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब खुद ही सोचिए, जब ये नॉर्थन इंडिया के किंग थे, इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं देखा, इन्होंने कोई सफरिंग नहीं देखी, इनको कोई कभी पेन ही नहीं हुआ, इनके पास हर चीज़ थी, इनको पेन होने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कोई वजह नहीं थी इनके पास, हर चीज़ इन्हें खुश थे, मतलब इन्होंने कभी पेन देखा ही नहीं। लेकिन ये एक दिन घूमने जाते हैं अपने आसपास के गांवों में, अपने आसपास के स्टेट में, तो ये देखते हैं सिक मैन यानी कि बीमार आदमी को, और ओल्ड मैन देखते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, अब खुद ही सोचेंगे, ये अपने फीलिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कहते हैं यार ये तो फीलिंग मैंने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं, ये कैसी फीलिंग है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया, इनकी बीवी थी, इन्होंने फिर मतलब अपनी स्टडी करने गए थे, मैं इस नोट्स में लिखा नहीं है, अपनी स्टडी करने गए थे, वो जगह मेरे को याद नहीं है, वो अपनी स्टडी करने गए थे, जैसे ही वहाँ से लौटे थे, फिर इनकी किसी प्रिंस के साथ शादी करा दी गई थी, प्रिंसेस के साथ, ओके। जब इनकी शादी करा दी गई, इनके बच्चे भी हुए थे, और जो है ये फिर इन्होंने संन्यास ले लिया, अपनी दुनियादारी से बिल्कुल संन्यास ले लिया था, ठीक है। दे थिंक ही नीड, मतलब जब ये आए थे, जब इनकी शादी वगैरह हो चुकी थी, ही थिंक अलाइटमेंट यानी कि मोक्ष, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोक्ष। इन्होंने सोचा हम मुझे मोक्ष चाहिए, और विद इन 7 डे दे रिसीव मोक्ष, यानी कि एक पीपल ट्री था, मैंने पीपल वो वाला पीपल लिख दिया, आदमी वाला मतलब इंसान वाला, ठीक है, इसको मैं समझिएगा पीपल, ठीक है, पीपल का ट्री था, उसके नीचे विद इन 7 डेज इन्होंने जो है मोक्ष प्राप्त कर लिया था, ओके। और हाँ, अपने मोक्ष की जी मतलब ये स्टडी थी, सबसे पहले इन्होंने किसको दी थी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक औरत थी जिसका नाम था, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो पीपल का ट्री है उसको नाम दे दिया था बोधी ट्री, समझ में आ गई, क्यों दिया गया था, क्योंकि बोध थे, ओके। और हाँ, इसमें लिखा नहीं गया है, अब मैं आपको मेन चीज़ बताना जा रहा हूँ, एक थी गौथमी, ऐसी कुछ नाम की गौथमी थी, ठीक है, वो मेरे को नाम कुछ याद नहीं है, देखता हूँ नीचे लिखा नहीं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसमें एक गौथमी नाम की एक औरत थी, जो कि उसका बेटा मृत्यु हो चुकी थी उसकी, ठीक है। वो इधर उधर ढूंढती थी, कहती थी कि भैया मैं इसको क्या, मतलब ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब उसको भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था कि उसने कभी मृत्यु नहीं देखी थी, उसने कभी पेन नहीं देखा था, ठीक है। अब किशा गौतमी, ओके, याद आ गया, किशा गौतमी। तो फिर वो गई, किसी ने बताया होगा कि आपको इस बारे में नॉलेज दे सकते हैं, तो फिर वो इनके पास गई कि क्या कहते होंगे बाबा जी या महाराज जी, कि क्या हुआ ये सब, ठीक है। तो उन्होंने बताया, अब वो खुद ही सोचिए, उन्होंने कभी मृत्यु देखी नहीं थी, अब ये तो कह नहीं सकते थे आपका ये जो बेटा है मृत्यु हो चुकी है इसकी, नहीं कह सकते थे। अब उनके पास इतनी नॉलेज थी, उन्होंने कहा था मैं आपके बारे में आपके बेटे को सही तो कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने अब वो क्या था, अब वो अपने बेटे को अच्छा देखना चाहती थी, उन्होंने तुरंत तैयार हो गई। अब उन्होंने बोला कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने बोला ये काम है, आप जो फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स यानी कि पूरे हाथ मतलब हाथों में मस्टर्ड के सीड लाने हैं आपको परिवार में से, किसी परिवार में से। अब वो परिवार वो होना चाहिए जहाँ पर कभी मृत्यु नहीं हुई हो, जहाँ पर कभी जन्म नहीं हुआ हो। अब वो गई, लेकिन वो पूरे गाँव में घूम ली, हर जगह घूम ली, लेकिन उसे ऐसे परिवार फैमिली हाउस नहीं मिला,
जो भी कह सकते हैं, हाउस नहीं मिला जहाँ पर मृत्यु और जन्म मतलब हर चीज ना हुआ हो। और जब वो वापस लौट के आई वो समझ चुकी थी उन वो क्या समझाना चाह रहे थे, वो समझ चुकी थी। ठीक है, अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। देखिए इसको बस इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब इसका राइटर था विलियम बटलर ईट्स। क्या नाम था? विलियम बटलर ईट्स। आप मेरे को एक बार बताइए, मतलब ये इंडियन स्टोरी है, इंडियन स्टोरी है। अब इसको विलियम बटलर ईट्स लिख रहे हैं, खुद ही सोचा हमें महत्व समझना चाहिए अपनी स्टोरी का। ओके, समझ आया ये क्या थे? इनका सिद्धार्थ गौतम नाम था, मैं आपको जस्टिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, नॉर्थन इंडिया के प्रिंस थे। ठीक है, ये कभी सफरिंग नहीं देखी इन्होंने, कभी पेन नहीं देखा था। और जो है एक जब फिर सिख मैन से मिले थे, फिर अंडर अपनी फीलिंग अंडरस्टैंड इन्होंने कर ली थी, और इन्हें फिर मोक्स चाहिए था। ठीक है, जब इनकी शादी वगैरह हो गई थी इन्होंने मोक्स लिया, और विद इन सेवन डेज दे रिसीव मोक्स। ओके, तो पीपल के ट्री के नीचे मोक्स लिया था, और इन्होंने उस पीपल की ट्री को क्या नाम दे दिया? बोधी ट्री। ओके, ठीक है। और इन्होंने पहली शिक्षा किशा गौतमी को दी थी, समय वो तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि फुल ऑफ हैंड ऑफ वीट्स मस्टर्ड सीड्स को उन्होंने मांगा था कोई ऐसे घर में से जहाँ पर कभी मित्र जन्म नहीं हुआ हो। ओके, किसने लिखा है? विलियम बटलर ईट्स ने। ओके, आगे चलते हैं, दिस इज लास्ट चैप्टर। ओके, ठीक है, सब पढ़ते हैं। और हाँ देखिए, ये वेरी इजी चैप्टर है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको आज इसी शंका को आपकी दूर करना चाहूँगा। ये बहुत इजी चैप्टर अगर आप इसको समझना चाहें तो। ओके, इसका नाम क्या है? दी प्रपोजल। दी प्रपोजल यानी कि रिक्वेस्ट, यानी कि प्रपोजल अगर नाम यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि मैंने पढ़ रखा है, यानी कि एक लड़का यानी कि मैन वुमैन को प्रपोज करेगा। ठीक है, शादी के लिए। ओके, आगे चलते हैं। इसका मेन करेक्टर कौन था? इसका मेन करैक्टर जो था लोमोव, देख लीजिए लोमोव, जो कि वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। कौन सी फैमिली? वेल्दी। इसलिए ही एक ज़्यादा अच्छा कारण था, इसलिए क्योंकि चुबोव तैयार हो गया था, क्योंकि वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, अब चुबोव कौन था? चुबोव लोमोव का वो था नेबर यानी कि उसका पड़ोसी। ओके, अब नटालिया क्या थी? नटालिया इसकी बेटी थी नेबर की, यानी कि चुबोकोव की, जो कि 25 साल ओल्ड थी। ओके, अब देखिए समझ में आ गया, लोमोव, चुबोव और नटालिया। अब देखिए सबसे पहले इसके राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। राइटर इसका है एनियन चेकोव। क्या नाम है? एंटन टी है ये। ओके, समझ लीजिएगा, एंटन चेकोव। अब एंटन चेकोव जो है इसके बारे में लिख रहे हैं पूरी, इन्होंने जो है ना थोड़ा ग्रुप डिस्कशन, मतलब डिस्कस हो रहा है, पहले जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उसमें डिस्कस नहीं है, उसमें सीधा राइटिंग दी हुई है, इसमें थोड़ा डिस्कस हो रहा है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। अब देखिए लोमोव, अब मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मेन पॉइंट्स। ओके, मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको याद करने हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो लोमोव जो था नटालिया से शादी करना चाहता था, मेन बात यही है। ठीक है, शादी करना चाहता था, और इसलिए वो उससे बात करने गया। सबसे पहले तो उसके पापा से यानी कि चुबोकोव से बात करने गया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे को आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मतलब शादी करनी है, पसंद है मेरे को, शादी करनी है। ठीक है, तो उसके पापा तुरंत तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, और उनके साथ बहुत सालों से वो रह रहा था, क्योंकि नेबर भी था वो। ठीक है, तो फिर वो बात करने गया था, वो तुरंत तैयार हो गया। अब वो सोच रहा है नटालिया भी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, अब तो फिर वो टोक बात करने गया नटालिया से फॉर प्रपोजल पर्पस। ठीक है, अब देखिए इनके साथ क्या खेल हुआ। अब बात प्रपोजल पर्पस के लिए गया था, लेकिन बात कहीं से कहीं चली गई। ठीक है, इन शॉर्ट दे फाइट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिन मीडोज। अब इनके जो गार्डन के साइड में होता है ना ऑक्सिन मीडोज, वो प्रॉपर्टी के ऊपर इनके बीच में फाइट हो गई। अब ये भाई, अब देखो मैं पूरा तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा देखो खिचड़ी कहाँ है, खिचड़ी यहीं है। ठीक है, ऑक्सिन मीडोज में। अब वो कह रहा है ताऊ चाचा नाना फाना उसकी मेरे ये है वे है। देखो सबसे बढ़िया बात, वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर उनके इन शॉर्ट लड़ाई हो चुकी थी, और वो कह रहे थे ये मेरी है। क्या कह रहे थे? ये मेरी है, इट्स माइन। ओके, ये कह रहे थे। ठीक है, समझ में आया। तो फिर अब इनमें फाइट हो चुकी थी, ये कह रहे थे नहीं, पहले तो बहुत ही डिसिप्लिन में फाइट हुई थी, नहीं आप गलत कह रहे हो, फिर होने लगी नहीं आप सही कह, मतलब ऐसे नहीं ये मेरी ही है, ऐसे होने लगी। ठीक है, फिर उसने नटालिया, जब बात आगे बढ़ गई, नटालिया ने अपने पापा को बुलाया, और उसके पापा, वो सोच रहा था पापा उसकी बात संभाल लेंगे, लेकिन उसके पापा ने किसका साथ दिया? उसके पापा ने कहा अरे नहीं, ये तो हमारी ही मीडोज है, मीडोज ये हमारी ऑक्सी मीडोज, बात और आगे बढ़ गई। तो जो है लोमोव जो है घर चला गया था, इन शॉर्ट मैंने नोट्स में लिखानी है, लोमोव जो है घर चला गया था। लेकिन जब उसके चुबोकोव, उसके पापा ने उस नटालिया को बताया कि अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो, ऑक्सीमीडोस के बारे में तो कोई बात ही नहीं चलनी चाहिए, ये तो आपको प्रपोज करने आया था। ठीक है, तो जब तुरंत उसने नटालिया ने कहा उसको बुलाइए, ठीक है,
तो चुबुकोव ने, जो कि उसके फादर थे नटालिया के, उसने बुलाया इसको, ठीक है। और जब ये आया तो फिर सोच रहे थे अब कोई बहस नहीं होगी, सीधा सीधा बात होगी, फिर बहस करने लग गए, फिर लड़ने लग गए, ठीक है। और इसी दौरान जो है लोमोव को जो है ना हार्ट बीट उसकी इंक्रीज हो गई और वो ग्राउंड पर गिर गया। अब ये सोचने लग गया, उसकी सांस वांस नहीं चल रही, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा था, ये सोचने लग गया ये मर चुका है। लेकिन एट द टाइम उसने मूवमेंट करी और सोच रहे थे अब ये ठीक है, चलो ठीक है, बच गए। अब तो जो है ना इन्होंने जब वो मूवमेंट करा था उन्हें पता चल गया ये जिंदा है। और हाँ, फाइनली जो मेन पर्पज़ था वो उनका पूरा हो गया। इन्होंने एक दूसरे को किस करी और जो है अपने बीच में रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब बस ये थे इस डिस्कशन, क्या था बात, क्या थी और बात किस लिए बढ़ गई, ठीक है। ऑक्सीमिडोज के ऊपर बात इनकी फैल गई, ठीक है। अब ठीक है, अब बात समझ में आई क्या मैंने आपको समझाया? देखिए, आप सोच रहे होंगे फर्स्ट फ्लाइट है भाई, कैसे क्लियर कर दिया एक वीडियो में, ये वेरी ईजी है अगर आप समझें तो, ठीक है। पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, अगर आप मेरे जो मैं बोल रहा था उससे नोट्स बनाएंगे तो आपको ठीक रहेगा। देखिए, हमने आज LHS क्लियर कर दिया है पूरा, और मैं डेफिनेटली ग्रामर के लिए एक सेक्शन लाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।